Hello everyone, today we will see some of the biggest mistakes that generally takes place in building construction, जिसको लोग ignore करते हैं, neglect करते हैं, but उसका long term में बहुत ही बुरा effect होता है buildings की durability, buildings के lifespan. Okay, first biggest mistake is poor shuttering of columns. Generally होता है क्या है कि during construction हर लोग चाहते हैं कि जल्दी से building कंस्ट्रक्ट हो जाए, जल्दी से मेरा मकान बन जाए या बिल्डिंग्स बन जाए. इस दौरान वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरा जो भी काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो भी काम हो रहा है, वो सही प्रॉपर वे में प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हो रहा है कि नहीं. क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कॉलम्स मेरे बिल्डिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि सारे लोड्स को फुटिंग तक ले जाता है. ओके, सो अगर हम कॉलम्स का शटरिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, इसका अलाइनमेंट सही नहीं बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि कॉलम्स के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, और कॉलम्स के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली बिल्डिंग्स के लाइफ को अफेक्ट करेगा. ओके, सो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे और उस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे ये सभी मिस्टेक्स का स्टडी करेंगे, और इस मिस्टेक से जो भी बिल्डिंग्स ऑनर्स हैं, फर्दर जो बिल्डिंग ऑनर्स हैं या जो भी कंट्रेक्टर्स हैं, उसको सीख के वो कोशिश करेंगे कि फर्दर जो भी बिल्डिंग्स बनाए उसमें ये मिस्टेक्स ना करें, ताकि बिल्डिंग्स की लाइफ ड्यूरेबिलिटी बनी रहे. ओके, सो फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक इज पुअर शटरिंग ऑफ कॉलम. सो हियर इज दैट मिस्टेक, दैट इज पुअर शटरिंग ऑफ कॉलम्स. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स का प्रॉपर शटरिंग नहीं हुआ है. ओके, पुअर शटरिंग मीन्स इसको एक प्रॉपर या तो वुडन, जनरली हम वुडन फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क, बट हमको स्टील फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए, आयरन सीट का यूज करना चाहिए, जो प्रॉपर फिनिश कॉलम्स को प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम्स का शटरिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, प्रॉपर फॉर्मवर्क से इसको कास्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एग्रीगेट्स का प्रॉपर एक्सपोजर हो रहा है इन्वायरमेंट से प्रॉपर एक्सपोजर हो जा रहा है. ओके, इससे क्या होगा कि ये इस कॉलम्स की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. ओके, एंड अल्टीमेटली जो है कोई भी अगर गैप क्रिएट होता है कॉलम्स में, तो ये रस्टिंग भी कर सकता है, इनसाइड जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करें उसको रस्ट भी कर सकता है. ओके, सो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कॉलम्स बना रहे हैं उसका प्रॉपर फॉर्मवर्क होना चाहिए, प्रॉपर स्टील या आयरन फ्रेमवर्क या एटलीस्ट वुडन फ्रेमवर्क से उसको प्रॉपर अलाइनमेंट को कास्ट करना चाहिए. नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज पुअर ज्वाइंट बिटवीन कॉलम्स एंड ब्रिकवर्क. नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज बिगेस्ट मिस्टेक इज ज्वाइंट बिटवीन कॉलम्स एंड ब्रिकवर्क. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल बिल्डिंग्स है जिसपे हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स एक्चुअल में इसमें हुआ है, जिससे कि आप सीख सकें और फ्यूचर में गलती ना कर सकें ड्यूरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. सो आप ये देख सकते हैं कि ये जॉइंट्स देखिए आप, ये बिल्कुल परफेक्ट जॉइंट नहीं है. यहाँ पे ये जॉइंट्स की एक प्रॉपर जॉइंट नहीं, ये प्रॉपर जॉइंट नहीं है. आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रिकवर्क पूरी तरह से बाहर आ चुका है और कॉलम्स के साथ इसका बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं है. सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक. इससे होगा क्या कि अगर जॉइंट्स प्रॉपर नहीं बनता है कॉलम्स और ब्रिकवर्क के बीच, तो ये ब्रिकवर्क कलेप्स कर सकता है, पूरी तरह से कलेप्स कर सकता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड मिस्टेक दैट जनरली टेक्स प्लेस इन बिल्डिंग. नाउ द थर्ड मिस्टेक इज नंबर ऑफ जॉइंट्स इन कंस्ट्रक्शन. जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जॉइंट्स कम से कम हो बिल्डिंग में. इट मीन्स हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मोनोलिथिकली हो, इट मीन्स जो भी हम बीम्स कॉलम बना रहे हैं, सो वो एक साथ कास्ट हो एक लंबे हाइट तक. ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स दीज आर द नंबर ऑफ जॉइंट्स हियर. सो ये जॉइंट्स क्या करता है कि ये मोनोलिथिक जॉइंट्स नहीं होते हैं, ये स्टेप बाई स्टेप कास्ट किए जाते हैं, जिससे कि मोनोलिथिकली ये कास्टेड नहीं होते. मोनोलिथिक कास्टिंग से ये क्या होता है कि इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो नहीं मिल पाता जितना चाहिए होता है, इससे बिल्डिंग्स की ड्यूरेबिलिटी कम होती है और बिल्डिंग्स की लाइफ कम होती है. सो हमको इस जॉइंट्स को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सारे कॉलम्स का कास्टिंग जितना हो सके, जितनी हाइट तक हो सके, मोनोलिथिकली कास्ट हो, जॉइंट्स कम से कम बने.
वन मोर थिंग एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम आपको बता सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये रूफ स्लैब तो है बट इसके साथ रूफ बीम नहीं है। रूफ स्लैब के साथ रूफ बीम नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा कि बीम्स के थ्रू लोड कॉलम्स को नहीं जाएगा बल्कि स्लैब से ये लोड सीधे इस कॉलम इस ब्रिक वर्क्स पे आ जाएगा। ओके, और जिससे कि मेरा ये परफेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी से कम होती है, ये ब्रिक वर्क को डैमेज करेगा। चूँकि हम स्लैब्स के साथ लोड कॉलम्स पे जाना चाहिए टेक्निकली, बट ये इस ब्रिक वर्क पे आ जाता है।